नमस्कार दोस्तों, आपने प्लास्टिक के बारे में जरूर सुना होगा। प्लास्टिक पर राजनीतिक चर्चा भी सुनी होगी। घर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर प्लास्टिक इस्तेमाल होते भी देखा है। यहां तक कि आपने पानी की बोतल से लेकर के दूध की पैकिंग तक प्लास्टिक को इस्तेमाल होते देखा है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी गंभीर समस्या होती जा रही है। प्लास्टिक से होने वाला वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण तथा जल प्रदूषण पर्यावरण को इतना गंभीर नुकसान पहुँचा रहा है कि आने वाले समय में भविष्य में एक बड़ी ब्लॉकेज का कारण बन जाएगा। आज इसी खास विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्लास्टिक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अमूमन हर चीज़ के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे दूध हो, तेल हो, घी हो, आटा, चावल, दाल और मसाले तथा कोल्ड ड्रिंक, शरबत और स्नैक्स, दवाएँ, कपड़े या जो भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के बिना अधूरी है, यानी कुछ भी हो उसमें प्लास्टिक के लिफाफे या बोतल का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अगर आप बाज़ार से फल और सब्जियां खरीदने जाओगे तो वहां पर भी आपको प्लास्टिक का बैग मिलेगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह यह भी है कि टीन के डिब्बों, कपड़े के थैलों और कागज़ के लिफाफों के मुकाबले यह बहुत ही सस्ता पड़ता है। लेकिन इस प्लास्टिक के ज़माने से पहले आपको बता दें कि कभी एक ऐसा समय भी था जब लोग राशन, फल व तरकारी खरीदने के लिए जाते थे तो प्लास्टिक की टोकरियां या कपड़े के थैले का प्रयोग किया जाता था और गृहणियां उसे बड़े सजा धजा करके कपड़े का बैग तैयार करती थी, ताकि अगर आप बाज़ार में कोई ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो दूसरी महिलाओं का ध्यान आपकी तरफ ज़रूर जाए। लेकिन अब दोस्तों, खाली हाथ जाना पड़ता है। सबको पता है कि प्लास्टिक की थैलियों में सामान मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अब तो पत्तल और दोनों की तर्ज पर प्लास्टिक की प्लेटें और गिलास और कप खूब चलन में हैं, जिसमें आपको पानी से लेकर के कोल्ड ड्रिंक और चाय तक भी अगर पीनी है तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कपों में आप पी सकते हैं, जिसके बाद उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस आसानी से लगने वाली बात ने बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी है, जिसका आम जनमानस अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। दरअसल प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों से आता है। अगर बात करें साल 2015-16 की, तो उसमें करीबन 900 किलो टन प्लास्टिक की बोतलों का उत्पादन हुआ था। केवल अकेले राजधानी दिल्ली में ही वह अन्य महानगरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। और साल 2015 के आंकड़ों की अगर माने तो केवल अकेले दिल्ली के अंदर 689.52 टन तथा चेन्नई में 429.39 टन कचरा तथा मुंबई में 408.27 टन। वहीं अगर बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में 313.87 टन और हैदराबाद में 199.33 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सिर्फ 10% कचरा ही जो है रिसाइकिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और उसका रिसाइकिलिंग हो पाता है। बाकी का 90% कचरा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह साबित होता है। लेकिन इसमें भी एक जटिल समस्या है जो बहुत बड़ी है। रिसाइकिलिंग की जो प्रक्रिया है वह प्रदूषण को बढ़ाती है, घटाती नहीं। रिसाइकिलिंग के लिए रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषैला बन जाता है। जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रिसाइकिलिंग इकाइयां नहीं लगी हुई है, उनमें रिसाइकिलिंग के दौरान पैदा होने वाले विषैले धुएँ से वायु प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता। अगर इसे मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो भूगर्भीय जल में यह रिचार्जिंग को रोक सकता है। वहीं इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिए और उनमें मिट्टी में घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि इसमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे अमूमन सेहत पर इतना बुरा असर डालते हैं कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप इसकी जानकारी डॉक्टरों से लेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि बहुत सारी सरकारें आती हैं और जाती हैं लेकिन प्लास्टिक बैग और थैलियों पर रोक नहीं लगा पाती? इसका एक बड़ा कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए बकायदा अलग अलग कानून भी पास हुए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रिसाइकिलिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेस रूल्स 1999 जारी किया था। इसे 2003 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1999
68 के तहत संशोधित भी किया गया ताकि प्लास्टिक की थैलियों और डिब्बों का नियमन और प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके। वहीं दूसरी ओर भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने धरती में घुलनशील प्लास्टिक के 10 मानकों के बारे में अधिसूचना भी जारी की थी, मगर इसके बावजूद हालात वहीं के वहीं हैं। हालांकि दिल्ली समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें पॉलीथीन और प्लास्टिक से बनी सामग्रियों पर रोक लगाने का ऐलान किया जा चुका है, और वहीं इसका उल्लंघन करने व जुर्माना तथा कैद का प्रावधान भी किया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं ज़्यादातर कचरा प्रबंधन प्रणालियों की खामियों की वजह से पैदा हुई। इससे बड़े नुकसान होते हैं। प्लास्टिक का ये कचरा नालियों और सीवरेज व्यवस्था को ठप कर देता है। नदियों में भी इसकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है। पानी के प्रदूषित होने से मछलियों की मौत तक हो जाती है। इतना ही नहीं, नदियों के जरिए प्लास्टिक का कचरा समुद्र में भी पहुँच रहा है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक हर साल तकरीबन 80 लाख टन कचरा समुद्रों में मिल रहा है, और समुद्रों में जो प्लास्टिक कचरा मिल रहा है उसका तकरीबन 90% हिस्सा 10 नदियों में से आ रहा है, जिनमें से आपको बता दें यांगतजे, गंगा, सिद्धू, येलो, पर्ल, एमर, मेकोंग, नाइल और नाइजर नदियाँ शामिल हैं। इनमें से 8 नदियाँ एशिया की हैं, और इनमें से भी ज़्यादातर नदियाँ यानी 5 नदियाँ चीन की हैं, जबकि 2 ऐसी नदियाँ हैं जो भारत में हैं और 1 अफ्रीका की है। चीन ने 46 शहरों में कचरे को काबू करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि कूड़े के ढेर में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को खा करके आवारा पशुओं की बड़ी तादाद में मौत हो रही है और उसे भी रोका जा सके। भारत में तो बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो खाने के बाद प्लास्टिक कचरे को हजम नहीं कर पाती और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। भारत में कई ऐसे NGO हैं जिन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया जाता है कि प्लास्टिक कचरा खाने के बाद पशुओं की आंतें रुक जाती है और समय पर न इलाज होने के कारण पशुओं की मौत निश्चित होती है, और मरने वाले ज़्यादातर पशुओं में गायें शामिल हैं, क्योंकि भारत में ज़्यादातर गायें सड़कों पर घूमती नजर आएंगी और चारा न मिलने की वजह से तथा ज़्यादातर घरों के अंदर प्लास्टिक की थैलियों में कचरा डालने के बाद हम लोग बाहर फेंक देते हैं, चाहे वह कूड़ादान हो या कोई सार्वजनिक ऐसा स्थान जहाँ पर कूड़ा डाला जाता हो, वहाँ पर पशु पहुँच करके उस कचरे को खाते हैं जिसमें प्लास्टिक की थैलियाँ भी शामिल होती हैं, और उनकी मौत कुछ दिन बाद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस प्लास्टिक के कचरे से निजात भी पाया जा सकता है। प्लास्टिक के कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प में जूट की थैलियाँ या थैलों का इस्तेमाल किया जाए, साथ ही प्लास्टिक के कचरे का समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देश में सड़क बनाने और दीवारें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। प्लास्टिक को इसी तरह से अन्य जगहें इस्तेमाल करके इस कचरे से निजात मिल सकती है। बहरहाल, प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए बेहद ज़रूरी है कि इसके दिन प्रतिदिन जनमानस को जागरूक किया जाए, क्योंकि इस मुहिम में जनमानस की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकारें ऑर्डर जारी कर देती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। सरकार ने बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल होता है, उनके कई बार चालान भी किए हैं। ज़्यादातर इसमें फ्रूट और फल सब्जियों वाले लोग हैं, लेकिन कहानी तब समझ में नहीं आती जब भारत सरकार के कई ऐसे उपक्रम हैं, कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी से लेकर के सरकारी तंत्र केवल उन लोगों पर चालान करता है जो प्राइवेट हैं। कम से कम सरकार को चाहिए कि वह अपने अंडर आने वाले या अपने अधीन आने वाले जो भी उद्योग धंधे हैं वहाँ पर प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करें। आपने देखे होंगे कि सरकारी विभागों में अलग अलग जगह पर रोकथाम के बावजूद भी आज प्लास्टिक की बोतलों में पानी दिया जाता है VIPs को। ऐसे बहुत सारे दुग्ध प्लांट हैं जहां पर दूध की थैलियां बकायदा प्लास्टिक के अंदर भेजी जाती है, और वो गवर्नमेंट के हैं, जैसे विटा प्लांट है, रिफाइनरी से आने वाली तेल की बोतलें या बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ जो भारत सरकार के अधीन चलते हैं उनमें धड़ल्ले से प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल होता है। सरकार प्लास्टिक की थैलियां बंद करने की बजाय उन लोगों का चालान करती है जो प्लास्टिक की थैलियां बेच रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि प्लास्टिक की दुकानें बंद करने की बजाय प्लास्टिक की फैक्ट्रियां ही बंद कर दी जाएं, ताकि केवल प्लास्टिक का प्रयोग वहीं होना चाहिए जहां बेहद ज़रूरी है। मशीनरी के कल पुर्जे बनाने से लेकर के
अन्य कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका प्रयोग खाने पीने में नहीं होता, लेकिन दूध, घी, पानी, तेल या और अन्य चीज़ों पर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार के अधीन हो चाहे वो प्राइवेट हो। दोस्तों, इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। हमारा वीडियो कैसा लगा, आप जैसा भी लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते चलते बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम दूसरी वीडियो आपको दिखा सकें। जो भी वीडियो नई बनाएंगे तुरंत आप तक पहुंचेगी। नमस्कार।